इसको हाथ में पकड़कर फील होता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हल्की है, और मुझे लगता है कि जो इसका वेट होगा, एक मिनट, इस चीज़ का वेट है सिर्फ इन चार माचिस की डिब्बियों जितना। तो इस टेक्निक से मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ का वेट आपके हाथ में फील करवा सकता हूँ। इसे कहते हैं दिमाग। सो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है और उसके अंदर ये चीज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है पीसी लेने का, लगवा लो इस चीज़ को। अभी मैं इसको लगाऊंगा अपने सीपीयू में। मैंने पहले कभी लगाई तो नहीं है, लेकिन मेरे पीसी में ऑलरेडी एक लगी हुई है, वो है 128 GB की। तो सिंपल उसे निकाल कर मैं उसकी जगह पर ये 480 GB की फिट कर दूंगा। इसका प्राइस है 4000 रुपये, और जहाँ से मैंने खरीदी है और इसके बारे में मोर डिटेल मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो पहले इसे देख लेते हैं कि कैसे लगाना है। सबसे पहले मैंने सीपीयू के साइड के दोनों स्क्रू निकाल कर कांच की प्लेट को धीरे से साइड पर रख दिया, क्योंकि भैया सारे पैसे तो इस कांच की प्लेट के ही है। फिर मैंने पावर केबल और HDMI केबल निकाल दी, क्योंकि भैया मुझे करंट थोड़ी ना खाना है। फिर मैंने SSD की प्लेट का स्क्रू निकाल कर पावर केबल और साटा केबल निकाल कर SSD बाहर निकाल ली। तो फिर मैंने प्लेट के चारों स्क्रू निकाल कर नई SSD लगा कर चारों स्क्रू दोबारा से टाइट कर दिए। फिर मैंने नई SSD को पावर केबल और साटा केबल लगा कर उसका स्क्रू टाइट कर दिया। अब भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा PC अब चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर मैंने जब पावर केबल और HDMI केबल लगाकर विंडो वाली पेन ड्राइव लगाई और पावर बटन को दबाया, तो मैंने देखा भैया मेरी तो ये मशीन चल पड़ी। मैं तो मोहल्ले में लड्डू बांटने जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो खुद ही खा लेते हैं। तो ये थी मेरी 128 GB की SSD, और मैंने 480 GB की अभी लगा दी है, और इसमें थी मेरी C ड्राइव। तो अभी मुझे दोबारा से नई विंडोज़ में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वैसे मैं इसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसकी प्लेट और इसकी जो साटा केबल है मेरे पास अभी नहीं है, तो जब होगी तब लगा देंगे। The next day. तो कल रात मुझे पूरे 11 बज गए, जैसे करते करते मैंने अपने PC में विंडो भी इंस्टॉल कर लिए है, सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए हैं, और जो पहले मेरी सी ड्राइव थी वो थी 128 GB की, इसलिए वो थोड़ी सी फुल हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये नई 480 GB की डलवाई है। तो अभी मेरे सी ड्राइव फुल होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो अभी मैं आपको SSD के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि लोग अपने PC में SSD लगवा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें SSD की फुल फॉर्म तक नहीं पता होती। तो मैं बताऊंगा कि SSD की फुल फॉर्म क्या होती है। स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव, इतनी सिंपल है। अब भैया मेरे से DSLR की फुल फॉर्म मत पूछना, खुद भी कुछ कर लिया करो, आपकी जेब में भी गूगल है। सो भी मजाक छोड़कर मैं आपको काम की बात बताता हूँ। ये जो मैंने SSD और ये मेरा जो PC का पूरा सेटअप है, ये मैंने दिल्ली से सैंपल करवाया था। दिल्ली में एक वेबसाइट है टेक मार्ट, वहाँ से
अगर आप भी पीसी असेंबल करवाना चाहते हैं या पीसी के रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के अलावा आपको पूरे इंडिया में कोई और ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां से कि आपको थोड़ा प्राइस कम मिले। अगर आप दिल्ली में या कोलकाता में रहते हैं तो आप खुद जाकर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के अलावा आपको कहीं और लो प्राइस में ही मिलेगा। मैंने ये SSD 4000 की बाय की है। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन या किसी भी दुकान पर इस SSD को बाय करेंगे तो आपको 400 से 300 रुपये ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। आप चेक कर सकते हैं जाकर। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने SSD बाय की है, तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको SSD बोर्ड दिखा दिया है इंस्टॉल करके। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस, ब्लॉग्स वीडियोस एंड ट्रैवल वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पीस।